जितने गिरफ्तार हुए हैं इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। टोटल आज के केसेस को लेकर के 10 केसेस हैं इनके ऊपर जो मुख्य अभियुक्त हैं। इन्होंने SBI ग्राहक सेवा केंद्र में 2 बार इन्होंने लूट की है और उसके संचालक से फरवरी में 1 बार 16/6/2020 को इन्होंने जिसमें 1.5 लाख रुपये लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन छीना था। इसी तरह से 19/8/20 को इन्होंने 1.8 लाख रुपीज़ और लैपटॉप वहां से छीना था। इसके साथ ही नवाबगंज में नेशनल हाईवे से 18 अगस्त 2020 को इन्होंने एक अपाचे मोटरसाइकिल की लूट की थी। इन अभियुक्तों के ऊपर उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। हम लोग अपने संपर्क सूत्रों को लगाए हुए थे जानकारी के लिए। SOG टीम के साथ ही लोकल पुलिस, वहाँ पर CO, वहाँ के SP सभी लोग लगे हुए थे और उन्होंने इस घटना का इसके बाद से खुलासा किया है। उन्होंने बताया इस घटना में टोटल 6 अभियुक्त हैं जिनमें से 5 को कल शाम हमने गिरफ्तार किया था, जिनके नाम क्रमशः रविनंदन, सरफराज, शंकर सरोज, हरिकेश यादव और राजू हैं। और आज सुबह हमने बबलू को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 81,000 रुपये लूट के 2 तमंचा, 8 जिंदा कारतूस के साथ 1 पिस्टल मिली है 3 कारतूस के साथ और 21 देसी बम इनके पास से मिले हैं। इसके साथ ही लूट की अपाचे मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके साथ ही इन्होंने जो एक मोबाइल की लूट की थी वो मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त रविनंदन और विनीत के ऊपर 10-10 केसेज हैं और बाकी जो अभियुक्त हैं उनका कहना है कि पहली बार वो लोग इसमें अपराध में वो लोग आए हैं, उनकी भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में अगर जो भी सूचनाएं मिलती हैं आपसे शेयर की जाएंगी। सर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए किस तरीके से आपने दिशा निर्देश दिया है पुलिस को और किस तरीके से आप लोग